लायन ऑफ गुजरात ये कोई कहानी नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टोरी, ये गुजरात की जड़ है। गुजराती कहीं भी जाएगा अपनी जड़ कभी नहीं भूलता। मैंने अपने समय में बहुत सी लड़ाइयां देखी, उनमें से कुछ थे जो लड़ रहे थे अपनी जमीन और जायदाद के लिए, तो कुछ लड़ रहे थे अपने अस्तित्व और सम्मान के लिए। मगर मैंने ऐसा एक शेरदिल इंसान देखा है जो लड़ रहा था गुजरात के लिए। आरके चारण, आईपीएस आरके चारण, जो लड़ रहा था अपने देश के लिए। पूरे गुजरात में रेड अलर्ट है, टेक चार्ज इमीडिएटली राइट नाउ। हमारे बच्चे किडनैप करके मरीन के थ्रू दूसरे देश में भेजे जाते हैं। 20 साल की ट्रेनिंग के बाद उसको ह्यूमन बम बना के हमारे बॉर्डर पर भेजा जाता है। हमारे बच्चे हमी को मार रहे हैं सर, हमें पता ही नहीं सर। गुजरातियों को इतिहास मत पूछेगा, काफी लोगों के इतिहास चेंज कर चुके हैं गुजराती। रोजाना 16 लोग निकलते हैं सुसाइड बॉम्ब पहनकर। सर, देश को बचाना कोई जुर्म नहीं है, और वो हर हिंदुस्तानी कहीं भी किसी वक्त भी कर सकते हैं सर। इट्स नॉट फॉर आवर स्टेट सर, इट्स फॉर इंडिया। One of the biggest IPS officer of Gujarat is now a watchman in Mumbai. Who IPS? IPS officer? Lions of Gujarat?